हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टूर स्टडी क्लासेस तो माय डियर फ्रेंड्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन में जो कि हमारा फाइनली कंडक्ट हुआ था मार्च 2023 के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इन सवालों को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर आप नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आइए फटाफट -फड़ से इन सवालों पर अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं चलिए सवाल है, है यहां पर

अब नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का जो काम है ना वो एक नई बॉडी को सौंप दिया गया है एक दूसरी बॉडी को सौंप दिया गया है जो कि है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा कंपटीशन कमीशन है वो जीएसटी में अब प्रॉफिट कंप्लेंट्स को भी हैंडल करेगा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा तो, माय डियर फ्रेंड्स ये सवाल आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और एवर स्टडी के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में नवंबर करंट अफेयर्स मॉड्यूल में इस news को अप भी किया गया था तो अगर आपने उसे पढ़ा था तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी तो चलिए अगला सवाल हमारे पास है विच ऑफ the, the formation एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ the कार्टल्स तो हमारे पास कार्टल्स का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं तो कार्टल बेसिकली कैसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है हमारे प्रोड्यूसर्स के बीच में जो कि किसी प्रोडक्ट product की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं उसके प्राइसेस उसके मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल करने वाले हैं तो अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कुछ छोटे से प्रोड्यूसर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना सकते हैं जिससे उसके प्राइसेस और उसकी मार्केट को वो कंट्रोल कर लेंगे जैसे पेट्रोलियम को लेकर हमारे पास वर्ल्ड ओवर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक बनाया गया है हमें यहां पर पूछने कि कौन से फैक्टर्स हिंडर करेंगे तो आपको नेगेटिव फैक्टर बताने आपको बताने ऐसे फैक्टर जिससे कार्टल्स नहीं बनेंगे लेस नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री तो अगर आपकी नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो वो आसानी से कार्टल बना सकती है आसानी से एग्रीमेंट कर सकती है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट अलग अलग है फिर कार्टल बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है फिर कार्टल बनाना मुश्किल हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी सेल्स कपल्ड विद द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट तो देखो आपकी अगर सेल्स कम है तो फिर उस केस में कार्टल बनाना अगेन मुश्किल हो सकता है एबसेंस ऑफ दी मोनोपोलीस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस देखो अगर हमारे देश में ऐसा कोई कानून बना हुआ है जो कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है तो काटल आप नहीं बना सकते हैं बट अगर ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे इस केस में आपके कार्टल्स बन जाएंगे तो ई वाले पॉइंट में आपके कार्टल्स बन जाएंगे क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है और ए वाले पॉइंट में भी भीटल आपके बन जाएंगे फॉर्म अगर कम है इंडस्ट्री में आसानी से कार्टल बना लेंगी बी सी और डी वाले जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हिंडर कर सकते हैं कार्टल फॉर्मेशन को तो बी सी और डी ही आंसर बनेंगे इस सवाल का ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले सवाल की ओर आते हैं एज पर दरटीए टू थाउजेंड फाइव विच ऑफ दर एक्सेंटेड फ्रॉम डिस्कलोजर अंडर सेक्शन एट आर टी एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सम्ड किया गया कि उसे नहीं किया जाएगा और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है वो आपसे सवाल पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन दर ऑफ विच अ ब्रीच ऑफ द द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेचर तो बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्समटेड रखा गया है मंथली रेम्युन रिसीव बाई एम्प्लॉय देखो इस इंफॉर्मेशन को एक्समटेड नहीं रखा गया है इन्फॉर्मेशन रिसीव इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ये भी एक एक्जटेड इन्फॉर्मेशन है

तो ये भी शन में नहीं आएगा आपके एग्जामेशन में जो आएंगे वो ए सी और डी आएंगे आपको तीन ही चूज करने ई e को लेकर अगर आपको डाउट भी था तो ए सी और डी आप आसानी से चूज कर लेंगे और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू जो है वो बन जाएगा एंड माई डियर फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन जो एग्जाम है सेक्शन एट के अंदर वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी आपको बताया गया था कवर कराई गई थी तो अगर आपको ये चीजें ध्यान थी तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है इफ एनी वन फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली मेक्स यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन देन अंडर विद सेक्शन ऑफ द आई टी एक्ट टू थाउजेंड पनिशमेंट शेल बी गिवन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए सेक्शन सिक्सटी थ्री सिक्सटी सिक्स बी सिक्सटी सिक्स सी और सिक्सटी सेवन बी तो डियर फ्रेंड्स आपके जो आई टी एक्ट के अंदर जो डिफरेंट पेनल्टीज के सेक्शन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि कौन सी पेनल्टी किस सेक्शन में बताई गई है अगर आप किसी के गलत तरीके से सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेक्शन 66 सी के अंदर पेनल्टी लगती है तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा तो डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही सीधा बहुत ही आसान सवाल था डायरेक्ट सवाल था अगर आपको पता था सेक्शन 66 सी के बारे में कोर्स में भी कवर्ड था तो आपने इस सवाल को इजीली आंसर कर लिया होगा चलिए सवाल है

तो तो है, आप उसे आसानी से फ्यूचर में नेगोशिएट कर सकते हैं तो आप उसे ट्रांसफर कर सकता है इनफेनाइटली किसी को भी ट्रांसफर कर दीजिए लॉक इन पीरियड उसके अंदर नहीं होगा फ्रीली ट्रांसफरेबल बिल्कुल होगा होल्डर अपने नाम में स्यू कर सकता है तो कैन नॉट वाली बात तो नहीं आनी चाहिए और होल्डर के टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ओके okay, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कौन कौन से फीचर जो बनने वाले हैं क्या कौन कौन से फीचर बनेंगे ए बनेगा सी बनेगा और ई e वाला भी बन जाएगा तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा तो बहुत ही आसान सवाल है थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं नेगोशिएबिलिटी होती है टाइटल में डिफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए तो ये सारी बातें आपको पता थी और इस सवाल में मैं मानता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी चलिए अगला सवाल है इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज इंक्लूड्स इट्स ऑप्शन हमारे पास है प्रोसेसेस डिजाइंस रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इंटरनेट डोमेन नेम्स और कॉपीराइट्स इंटेलेक्चुअल so कैपिटल की बात यहाँ पे कर रखी है देखो, आपने अभी तक शायद और ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ये टर्म इससे थोड़ी सी और ज्यादा वास्ट है इसका जो स्कोप है एम्बिट है वो इससे बड़ा हो जाता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल में सभी वो चीजें आ जाती है जिसको एक एंटरप्राइज कैपिटलाइज कर सकती है अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए तो इसके अंदर आईपीआर तो आता ही आता है उसके अलावा और भी चीजें आ जाती है हमारे जो कस्टमर्स और सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बने हुए हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं बाकी designs, आपके डोमेन नेम कॉपीराइट ये सब तो आ ही जाता है ये सारी चीजें आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल का पार्ट बन जाएंगी और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर बन जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा नया है तो इस बार पूछा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ही नॉर्मली सवाल आते थे बट ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है अब आपको ध्यान रखना है कि इसका स्कोप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है इसके अंदर आपकी ह्यूमन कैपिटल भी आती है यानी कि हमारे इंप्लॉइज उनकी नॉलेज रिलेशनल कैपिटल भी आती है हमारे जो रिलेशन बने हुए हैं सप्लायर्स कस्टमर्स वगैरह के साथ और हमारे स्ट्रक्चरल कैपिटल भी आती है यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस इसका कल्चर मिशन विजन वैल्यूज ये सारी चीजें जो है आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल का पार्ट बन जाती है चलिए सवाल है अगला हमारे हाँ पास और इस सवाल में आपको बेसिकली सेक्शन बताने हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के देखो सारे सेक्शन तो याद करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता बट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको याद करने होते हैं और इसमें से अगर आपको एक दो इंपॉर्टेंट सेक्शन भी याद है ना तो आपका आंसर मार्क हो जाएगा आप सही आंसर तक पहुंचाएंगे। जैसे अगर आपको केवल इतना ही याद है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 में आता है उसी से आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन का आंसर लगा सकते हैं तो इसके अंदर आपको सेक्शन के साथ मैचिंग करनी है ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर है और इसके अंदर सेल बाय ऑप्शन सिक्सटी में आ जाएगा ब्रीच ऑफ वारंटी जो है थर्टीन में आ जाएगा सेल बाय डिस्क्रिप्शन 15 में और ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है वो सेक्शन 27 में आ जाएगा और करेक्ट आंसर जैसा भी आपके साथ डिस्कस किया ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा तो भाई डियर फ्रेंड्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए हुए थे रेलिवेंट प्लेसेस पे तो उन्हीं से ये सवाल सॉल्व हो जाता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती बट हाँ ये सारे जो सेक्शन होते हैं ना आपको कहीं जगह नोट कर लेने चाहिए ताकि एग्जाम से पहले आप उनको एक बार नजर लगा के जा सके ताकि एग्जाम में आप उन्हें भूले ना आपको याद रहे और आपका आंसर सही हो जाए चलिए सवाल है अरेंज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो स्टेजेस इन अ प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल की अगर हम बात करें तो ऐसी कैपिटल है दिमागी पूंजी है इंटेलेक्चुअल कैपिटल और इसे हमें मैनेज करना है देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो लोग सब अपना अपना जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं तो सभी लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के पास ये दिमागी पूंजी जो है इकट्ठी होती जा रही है अब एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सब काम कर रहा है अब वो सब काम ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे अपने पास रख लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर वो इंप्लॉई चला भी जाए तो जो भी उसने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए दिमागी पूंजी जनरेट करी है उसने जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल जनरेट करी है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टोर्ड रहे तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए तो एक बार आप इन्हें रीड करें तो लिखा है इंडेक्स कैप्चर रेप्लीकेट आइडेंटिफाई स्टोर तो सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल को आप आइडेंटिफाई करेंगे आप आइडेंटिफाई करेंगे भाई कौन सा इंप्लाई ऐसा काम कर रहा है इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है जिसको मेरे को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और इसको मुझे प्रिजर्व करके रखना होगा फ्यूचर के लिए भी तो आप उसे आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे उसके बाद आप उसे कैप्चर कर लेंगे कैप्चर करने के बाद आप उसे क्या करेंगे आप उसे इंडेक्स कर लेंगे इंडेक्स कर लिया यानी कि आपने उसे इंडेक्स में नोट डाउन कर लिया कि ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है तो आपने उसे इंडेक्स कर लिया अपने पास आपने उसे क्या कर लिया यहां पे स्टोर कर लिया आपके पास अब आप वो स्टोर हो चुकी है और फ्यूचर में जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसे रिप्लीकेट कर लेंगे कॉपी कर लेंगे इस्तेमाल कर लेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस आपकी क्या बन गई करेक्ट सीक्वेंस बन गई पहले हमारा डी आ गया फिर हमारा बी आ गया फिर ए आ गया फिर ई e आ गया और फिर सी आ गया ऑप्शन नंबर थ्री की करेक्ट सीक्वेंस हमारी यहाँ पे बन जाएगी तो माय डियर फ्रेंड्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात अभी आपसे पहले भी करी थी और इसको लेकर एग्जाम में सवाल देखने को मिले इस बार तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है कैप्चर करनी है प्रिजर्व करनी है फ्यूचर के लिए और इसके लिए जो प्रोसेस था सवाल में जो पूछा गया लॉजिकली आप उसे अरेंज कर सकते थे आंसर कर सकते थे तो कई सवाल एग्जाम में ऐसे रहेंगे जिसको आपको ऑन द स्पॉट ही दिमाग लगा के आंसर करना होगा और ये एक ऐसा सवाल था थोड़ा सा दिमाग लगाते तो शायद आप आंसर कर लेते अगला सवाल बहुत ही सीधा बहुत ही आसान सवाल है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर इज टू रिकवर प्राइस रीगेन पोजेशन रिटेन पोजेशन रीगेन पोजेशन रिकवर डेमेजेस तो स्टॉपेज इन ट्रांसिट के राइट right की बात करते हैं कि अनपेड सेलर है उसे पैसे नहीं मिले वो सामान को रास्ते में स्टॉप कर सकता है ट्रांसिट में स्टॉप कर सकता है क्यों स्टॉप करेगा ताकि वो जो सामान है जिसके पैसे उसे मिल नहीं रहे पेमेंट उसकी हो नहीं रही है उसका पोजिशन उसे वापस से रीगेन हो जाए वापस से उसे मिल जाए उसने छोड़ दिया था पोजिशन को बट अब वो वापस से रीगेन कर लेगा तो ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा तो बहुत ही आसान सवाल बहुत ही इजी सवाल स्टॉपेज इन ट्रांसिट का जो राइट right है उसका मकसद हमारा होता है कि हम पोजिशन को रीगेन कर लें रिज्यूम कर लें चलिए अगला सवाल है Which one among the following is the duty of Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer? Options A to receive the application for information or appeals under the RTA Act for forwarding the same forthwith to the CPIO, SPIO, Yaniki Central Public Information Officer or State Public Information Officer. To receive the fee for the RTA application.

तो ये सवाल आपसे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में पूछ रहा है और ये जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं इनका काम ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन वगैरह इनके पास आ रही है या अपील वगैरह आ रही है तो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उन तक तो इनका काम केवल इतना ही रहता है ठीक है बाकी इनके काम नहीं है इनका फॉरवर्डिंग का ही काम है एप्लीकेशन रिसीव करेंगे आगे फॉरवर्ड कर देंगे बस इतना सा काम इतना सा असिस्टेंट रोल ये प्ले करते हैं तो ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा तो माई डियर फ्रेंड्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन दोनों का आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किया था पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने के लिए और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन इनको असिस्ट करेंगे जो भी एप्लीकेशन आई है उसे सेंड कर देंगे आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को ओके okay, तो इतना रोल ये यह पे प्ले करते हैं डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करते इनका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का तो अगर ये चीजें आपको मालूम थी तो आई होप आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं आई होगी चलिए सवाल अगला है रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर इज बेसिकली डेट ऑफ डेटर क्रेडिटर ट्रस्टी सवाल है न, थोड़ा है 100% कोई करेक्ट आंसर नहीं हो सकता जो आंसर हमें ऑफिशियली दिया गया है द अथॉरिटी उसे ही हमें एक्सेप्ट करना रहता है इसका जो आंसर दिया अथॉरिटी ने डेट इज ऑप्शन नंबर टू ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी अगर हम बैंक और कस्टमर के रिलेशन की बात करें तो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी रिलेशन हमें देखने को मिलता है बट इसके अलावा हो सकता है इनके बीच में डेटर क्रेडिटर और प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप भी हो जाए तो इस सवाल को लेकर ज्यादा टेंस नहीं होना बट आपको मालूम होना चाहिए कि यह सवाल एक बार पहले आया था और इसका ऑफिशियल आंसर इन्होंने ये दिया था तो अगर मैं बैंकर और उसके कस्टमर के रिलेशनशिप की बात करूं तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप भी है आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो बैंक डेटर बन गया आप क्रेडेटर बन गए बैंकर आपका ट्रस्टी भी है आपने बैंक में बहुत सारी चीजें अपने वैल्यूएबल्स रखे होते हैं लॉकर फैसिलिटी ली होती है तो आपने ट्रस्टी के तौर पर बैंक को यहाँ पे रखा होता है बैंकर एज एन एजेंट भी है बैंक आपके बहुत से काम करता है है आपके आपके चेक्स ले आता ब्याह पे म्यूचुअल फंड की पेमेंट कर देता है आपके बिहार पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है तो बहुत सारे रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो ये सवाल में थोड़ी सी क्लैरिटी कम थी बट आपको वैसे ओवरऑल मालूम होना चाहिए कि बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे हो सकते हैं

तो देखो जी आपकी जो लिस्ट होती है वो आपको यहाँ पे याद है तो ये बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको सारे रिलेशनशिप एक जैसे लगेंगे और यहाँ पे यहाँ पे देखो पेरेंट और चाइल्ड में डॉक्टर और पेशेंट में और इनमें से fiance, fiance और फ्यन्सी में यहाँ पे रिलेशनशिप में अन्ड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है इट रेजेस द प्रिजर्मशन ऑफ द दू इन्फ्लुएंस ऐसा आपको टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेगा तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ए बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर टू ही होगा हस्बैंड वाइफ और डेटर और क्रेटर ये कुछ कुछ बराबर के रिलेशनशिप भी हो जाते हैं और इनमें अंडी इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पन नहीं ली जाती है फिर भी देखो आपको जो लिस्ट है ना वहां पे याद करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आप फटाक से उस लिस्ट को रेफर करें आपके दिमाग में आ जाए और आप अपना आंसर यहां पे टिक कर दे फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू एंड माई डियर फ्रेंड्स एवर स्टडी कोर्सेज के नोट्स में ये चीज आपको बताई गई थी कि जिन रिलेशनशिप्स में अंडियो इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पन लिया जाता है यानी कि मान लिया जाता है कि यहां पे अंडियो इन्फ्लुएंस यूज हुआ होगा उसमें पेरेंट और चाइल्ड है गार्डियन और वार्ड है डॉक्टर और पेशेंट है स्पिरिचुअल गुरु एंड उसका चेला डिसिपल है लॉयर एंड क्लाइंट है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी है तो अगर आपको ये लिस्ट याद थी मालूम थी तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी अगले सवाल की ओर आते हैं

और इससे अब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन सबको वैलिडिटी मिल रही है आपको इनमें से तीन चीजें चूज करनी है ए बी और डी स्पेसिफिकली गिवन है तो स्पेसिफिकली आपका आंसर इन सभी को इंक्लूड करेगा ए बी और डी ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर यहां पे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इमोबल प्रॉपर्टी यहां पे डायरेक्टली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होंगे एंड माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ जब आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको कवर अप करवाए थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन देने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ डाटा की भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा की भी यहाँ पे हमने बात करी थी ये तो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी थी और इसी पे बेस्ड एक सीधा सवाल था तो इस सवाल में मैं मानता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी चलिए यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है

बाकी सारे इस्तेमाल किए जाते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस्तेमाल किया जाता ये इंग्लिश लॉ में इस्तेमाल किया जाता है बट फिर भी इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया उसमें ए बी सी डी और ई e को भी इंक्लूड कर लिया ऑप्शन नंबर फोर का आंसर इन्होंने दिया तो पता नहीं इन्होंने शायद बाहर की किसी बुक से रेफर किया होगा तो ये क्वेश्चन बना दिया इंडिया में तो स्पेसिफिकली कवर नहीं होता इंडिया में तो कवर नहीं है म्यूचुअल कंसेंट से डिस्चार्ज में बाकी सारी कवर होता है बट इन्होंने जो आंसर दिया इट इज ऑप्शन नंबर फोर तो इन्होंने इसको भी यहां पे इंक्लूड किया है तो माय डियर फ्रेंड्स नोवेशन ऑल्टरेशन रिसेशन रेमिशन वेवर ये सब चीजों के बारे में तो आपने पढ़ा है आप ऑलरेडी जानते होंगे बट ये अकॉर्ड और सेटिस क्या चीज है ये आपकी इंग्लिश लॉ में कवर्ड होती है तो इंग्लिश लॉ में रेमिशन की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है देखो रेमिशन का मतलब होता है कि आप यहां पे कुछ कम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं आप पूरी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे तो कम परफॉर्मेंस कर दीजिए उसमें भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लूंगा और इंग्लिश लॉ में इसकी जगह अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन का मतलब इस्तेमाल किया जाता है तो अकॉर्ड का यहाँ पे मतलब रहता है कि आप कुछ कम एक्सेप्ट कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है वो जो कम है उसकी पेमेंट आप यहाँ पे उस, उसकी ऑब्लिकेशन जो आपकी है यहाँ पे उसे फुलफिल आप कर रहे हैं तो इंग्लिश लॉ में ये अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन कर लिया जाता है और ना कि रेमिशन का तो इसीलिए पे अकॉर्ड और से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन से यहाँ पे लिखा भी गया है कि इंडिया के अंदर यह डॉक्टर एप्लीकेबल नहीं होता दिस ऑफ अकॉर्ड एंड इज अप्लाइड इन इंग्लैंड एंड इट नो प्लेस इन इंडिया इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है इंडिया के अंदर आप लेसर अमाउंट यहां पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये वैलिड होगा इनफोर्सेबल है आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है बट अकॉर्ड जो सेटिसप्ट है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है डॉक्ट्रिन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है बट फिर भी इन्होंने सवाल में पूछा और आंसर ऐसे दिया तो हमें इसे यहां पे एक्सेप्ट करना होगा चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है ड्यूटीज ऑफ बेलर इंक्लूड टेक केयर ऑफ द गुड्स बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स बेली आपके पास एक बेलर होता है और तो जिन्होंने अपना सामान बे, बेली को दिया हुआ है कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए जैसे बेलर ने अपनी गाड़ी दी है एक अपने दोस्त को बेली को जो कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है तो बेलर की ड्यूटी यहां पर क्या होने वाली है वह आपको बताना है देखो इनमें से सबसे पहला बताया टेक केयर ऑफ द गुड्स तो गुड्स का ख्याल किसने रखना है जिसको सामान मिला यानी कि बेली को मिला तो ये तो ड्यूटी किसकी हो गई है बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखो जो गाड़ी हमने दी उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी थी और वो बहुत बड़ी खराबी को ठीक करने के लिए बेली का काफी ज्यादा खर्चा हो गया तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा जो हुआ ना वो बेलर की जिम्मेदारी है इसकी ड्यूटी है तो इसे पूरी करनी होगी रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स अब देखो गाड़ी के, के केस में तो एग्रीशन नहीं होगा बट लेट सपोज कि यहाँ पे हमने मुर्गी दी थी और मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडा जो है वो भी बेलर को वापस करना होगा बेली को तो ये ड्यूटी होती है बेली की ना कि बेलर की इंडेमनीफाई इंडेमनीफाई द द बेली बेली तो का मतलब है कि अगर बेली को कोई यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और डिस्कलोज नोन फॉल्ट तो अगर कोई आपकी गाड़ी में फॉल्ट वगैरह जिसके बारे में आपको जानकारी है तो वो आपको बेली को बता देना ये आपकी ड्यूटी है तो बी डी और ई e बेलर की की डू, ड्यूटी ड्यूटी बनेगी, ए और सी जो है है, वो बेली की है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर का बन जाएगा एंड माई डियर फ्रेंड्स मैं मानता हूं बहुत ही आसान सवाल था बेलर और बेली दोनों की ड्यूटीज आपके साथ कोर्स में कवर्ड थी तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी सो थैंक यू प्यारे दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां पे हमने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस से जुड़े हुए सवाल आपके साथ डिस्कस किए जो कि हाल ही के यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जाम में पूछे गए थे आई होप कि इस डिस्कशन से आपको बेनिफिट जरूर हुआ होगा और अगर आपने इस बार का पेपर लगाया था और अगर आपने कुछ गलतियां यहां पे कर दी है तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे आपने सवालों को इंटरप्रेट किया क्या गलती आपने करी और आई एम होपफुल कि उस गलती को आप अगले एग्जाम में नहीं दोहराएंगे और अगली बार आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर लेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन गुड बाय टेक केयर ऑल दी बेस्ट